मुसलमान सिख दलित समाज मानवतावादी हिंदुओं का एक इकट्ठ होया मस्जिद विच जिस सारे ने 11 हल्के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी विच बालकनाथ की मौजूदगी विच जो संदीप पदामा ने मस्जिद गुरुद्वारा बारे भद्दे शब्द बोले अपमानजनक शब्द बोले उसकी पुरजोर निंदा करते हैं तो समुचे समाज ने फैसला किया भी जब ती बीजेपी अपनी कीती गलती की माफी नहीं मंगती संदीप दामा नूं पार्टी चो नहीं कढ़दी कोई भी सिख कोई भी मुसलमान कोई भी दलित बीजेपी नूं वोट नहीं पाऊगा। तो महसूस क्यों नहीं हो रहा एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है मंदिर मस्जिद है गुरुद्वारे नसूर मंच पे तोड़ देने चाहिए तो चुनाव यो क्या कर रहा है मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है सारे वो लाइव बोल रहे हैं और सीएम बढ़कर तालियां लगा रहे हैं इससे शर्मनाक बात क्या हुई चुनाव यो के लिए मुझे आप बता दीजिए भाषाएं यूज करने वाली भी गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं ये नसूर नहीं देश के लिए आज नसूर बीजेपी बन चुकी देश के लिए संदीप दैमा जैसे लोग जो फिरका पस्त लोग वो नसूर बन चुके देश के लिए जो स्टेज पे बोल रहे शर्म आती है योगी आदित्य बालकनाथ ताड़ियां मार रहे हैं जब खुसरा ताड़ियां लगाते हैं आकर हम आपसे कहने आए हैं आप उनकी टीम के मेंबर हो कम से कम लोगों का एहसास कराओ भी सभी मोदी के तोते नहीं है यहां जिंदा जमीर लोग बैठे हैं नौकरी आती चली जाती है पर जो ऊपर नौकरी करोगे ना जाएगा वो सारा दुनिया हिसाब वो मांगेगा आकर किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो आकर मंदिर है सभी मत्था टेक सत्कार करते हैं हमारे एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की आकर और बीजेपी उस समय नफरत फैला रही है सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है और हैरानी इस बात की है भी चुनाव आयोग ने सरकार ने प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया ये सबसे शर्मनाक बात है जो सोच तालिबान की है जो सोच मुगलों की सोच थी वही सोच बीजेपी अपना रही है। आप एक और नोट करना पाता जब प्रदीप दैमा ने माफी मांगी संदीप दैमा ने उसने माफी में क्या कहा भी मैंने कहा था जी मस्जिद और मदरसे तोड़ दो गुरुद्वारा गलत निकल गया वो चुनाव जो फिर चुप करके बैठा है जो भी प्रवेशक है हम आपसे कहने आए हैं उनके लिए कार्रवाई की जाए और गंगा हमागढ़ हमारे जिले हैं अगर यहां पर ऐसी कोई बात होगी वो चुनाव आयोग चुप करके बैठा रहा कर्म इसी चुनाव आयोग को यही आकर बात करेंगे आप अधिकार के बोल देना यहां पर हमें तोते नहीं चाहिए हमें चाहिए प्रॉपर ड्यूटी करने वाले जो देश के लिए मरे और अपने सिद्धांत के लिए मरे यहां का बड़ा स्पष्ट बोलना जी सिख समाज गए थे वो कह के गए भी हमें तोते नहीं चाहिए मोदी के हमें वो ईमानदार हो अगर सिख को गलत है तो थोक के बोलो गलत आकर कोई भी गलत हो थोक के बोलो जी जब हम ज्ञापन की कॉपी देने आए हैं और पहुंचा दिए और साथ में हमारा मैसेज क्लियर कर दीजिए हम देश में एकता और अखंडता चाहते हैं हम आपसी भाईचारा चाहते हैं वोटों की आड़ में हमारा भाईचारा खत्म हो नफरत पैदा हो हम वो बात कभी नहीं चाहते और इसके लिए जो सरकार ने जारी ड्यूटी सरकार भी वैसी है और वैसे गांव प्रवेशक वैसे आ गए हैं जिन्होंने आज तक कार्रवाई कोई नहीं किया आज कितना बॉल खड़ा हो रहा है कोई किया चुनाव आयोग ने जी कमाल की बात है मुंह में वो घूमने डाल के बैठ के बोल भी दे रही है ठीक है भाई आप हमारा बात थोड़ा रखना साथ।